हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IPPB की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि IPPB क्या होता है। देखिए, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। जो हमारा डाक विभाग था ना, उसी को अब बैंक में तब्दील कर दिया गया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर आपकी ये वैकेंसी निकल के आई है। देखिए, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया की मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में, कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर उससे पहले आप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोटिस या फिर डिटेल नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न डाउनलोड करके देखना चाहते हो, सारी चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ग्रुप सी की भर्ती निकल के आई है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट नेम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट रहेगी, एंड टोटल सीट्स आपका 344 यानी 344 आपका सीट रहने वाला है। देखिए, सीट ना स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है और उस स्टेट का क्या सीट है, आपके कैटेगरी में क्या सीट रहेगा, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में पढ़ के ही आप अप्लाई करिएगा। और ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो कहीं भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी और भी स्टेट के लिए। देखिए, अप्लाई का जो डेट रहेगा ना, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए, 11th अक्टूबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट है, एंड लास्ट डेट आपका 31st अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। लेकिन आपको 31 तक वेट नहीं करना है, 11 अक्टूबर से ऑनलाइन हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि बाद में आपको सर्वर इशू ना फेस करना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो फॉर्म फी रहेगा ना, ऑल कैटेगरी यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, चाहे वो जनरल हो, OBC, EWS, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी से यहाँ पर आपको 750 यानी 750 रुपया फॉर्म का फी लिया जाता है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि आपका एज लिमिट क्या रहेगा। तो एज आपका जो कैलकुलेट होगा ना, एज ऑन 1st ऑफ सितंबर 2024 यानी 1 सितंबर 2024 के अनुसार आपका एज कैलकुलेट होगा, ये आपका कट ऑफ डेट है। और एज की लिमिट क्या है, देखिए, 20 to 35 years यानी 20 से 35 years के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। अब आपको पता है कि ये जो अपर एज होता है ना, इसमें रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। OBC को 3 years का और SC ST को 5 years का, और बाकी जो एक सर्विसमैन होते हैं और अदर कैटेगरी में भी कुछ कुछ आपको रिलैक्सेशन है, तो वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में इन डिटेल दी जाती है, तो आप उसको थॉरो आउट रीड कर लेंगे एक बार। अब हम चर्चा करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। देखिए, ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है तो आप इलिजिबल रहेंगे। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, पर परसेंटेज से रिलेटेड भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ना 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए भाई? देखिए, GDS जो होता है ना, ग्रामीण डाक सेवक, तो जो ऑल इंडिया में ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पे भर्ती, मतलब जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। कम से कम आपके पास 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है 1 सितंबर 2024 के अनुसार, मतलब आप 2 साल से या उससे अधिक समय से अगर GDS के लिए जॉब कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो ये भर्ती आपके लिए रहने वाली है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
आगे बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह से यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। पहला चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो ग्रेजुएट्स है या फिर जो जीडीएस है, मतलब या फिर नहीं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी जरूरी है और जीडीएस में आपका जॉब होना भी जरूरी है, साथ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मैंने दो तरह से लिखा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए आपका नंबर ऑफ जो फॉर्म गिरेगा ना, उसके आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि किस विधि से आपका सिलेक्शन होगा। तो टोटल दो तरह से रहेंगे। अगर फॉर्म कम मात्रा में गिरेगा तो क्या होगा, आपका मेरिट जो बनता है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा, हाईएस्ट मार्क्स वाले का जल्दी वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत अत्यधिक मात्रा में आपका फॉर्म गिरेगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं ना, तब क्या होगा, पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू यानी पर्सनल इंटरव्यू। तो ये चीजें कैंडिडेट तो तय नहीं कर सकते ना, जो आईपीबीपी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो तय करेगा कि उसको सिलेक्शन किस विधि से करना है। मतलब फर्स्ट मेथड क्या है आपका, कि आपका मार्क्स के बेसिस पे होगा, और अगर बहुत ज्यादा फॉर्म आता है तब जाके आपका एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। तो सिंपली अगर कम फॉर्म गिरेगा तो बस आपके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपका नाम है तो फिर आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, जाइए डॉक्यूमेंटेशन कराइए और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिल होता है तब आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब हम लोग उस प्रोसेस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है, फॉर 200 क्वेश्चन विच इज़ फॉर 200 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए। टाइम रहता है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे की परीक्षा अवधि होती है, और निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है 1/4, मीन्स कि 0.25 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे। रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस हो जाएगा, इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो गणित होता है ना उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से भी संबंधित आपका 20 प्रश्न रहेगा, लास्टली जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। देखिए जनरल अवेयरनेस जीके जीएस करेंट अफेयर्स तो होता ही है, लेकिन ये बैंकिंग का एग्जाम है तो आपको बैंकिंग एंड फिनांस का भी जनरल अवेयरनेस का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम की सेंटर कहाँ रहेगी, देखिए ऑल ओवर इंडिया में आपके नियरेस्ट सिटी आपको चूज करने का मौका दिया जाता है, और ऑल इंडिया में इसका सेंटर होता है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। जॉब की लोकेशन पहले ही बताई आपको कि स्टेट वाइज वैकेंसी आई है, तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके अलग अलग डिवीजन में आपको सर्व करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी आपको क्या मिलती है, देखिए वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि स्टार्टिंग यू विल गेट 30,000 पर मंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर आपको 30,000 ही मिलता रहेगा। देखिए इसमें सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो पर ईयर आपका सैलरी भी बढ़ेगा, फिर आगे चलते चलते आपका सैलरी जो है 85,000 से 90,000 के तकरीबन हो जाता है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। और इसके रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी, आप भी कुछ डाउट एंड कंफ्यूजन या फिर कोई कंसर्न है तो कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।